नमस्कार और ओपेरिनिस्टिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, फॉरेस्ट्स इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के वनों की जानकारी आज हम लोग इस सेशन में लेने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग ये इम्पॉर्टेंट चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/operinistic, कृपया उसे भी ज़रूर विजिट करिएगा और लाइक करिएगा। हमारी वेबसाइट है www.operinistic.com। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में वन यानी फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वन क्यों ज़रूरी हैं। वन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वह हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वनों में जो पेड़ पौधे रहते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये एक बहुत बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व है वनों का। फिर वन जो है वो भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं, जिससे भूमि ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। भूमि का क्षरण रोकने में और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने में भी वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो योगदान वनों का है ये किसी अन्य चीज़ से नहीं लिया जा सकता है। ये जो योगदान है, जो महत्वपूर्ण योगदान है वनों का, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये वनों से ही मिल सकता है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, जिनकी आजीविका भी वनों पर डिपेंड करती है, वनोपज और उन पर आधारित उद्योगों से चलती है। तो वन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरी मानव जाति के लिए, पूरे वातावरण के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए। वन होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में वन जो हैं वो काफ़ी अच्छी दूरी तक हैं और वनों की काफ़ी रखरखाव भी ठीक ठाक तरीके से की जाती है मध्य प्रदेश में। तो वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो एक समृद्ध राज्य है। ये हम लोगों ने अभी चर्चा की और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मध्य प्रदेश जो है वो अभी तक की दृष्टि से देखा जाए तो एक समृद्ध राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है 308,252 वर्ग किलोमीटर और उसमें से 94,689 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 30.72% है। ये जरूर याद रखिएगा। हालांकि ये 33 से थोड़ा कम है। वैसे ऐसा माना जाता है, ग्लोबली माना जाता है कि जितना एरिया है उसका 33% वन होना चाहिए। 30 है फिर भी ठीक है, काफ़ी समृद्ध माना जा सकता है। और ये जो 30.72 का आंकड़ा है ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% जो है वो वन है। राज्य में कुल वन क्षेत्र का 61,800 वर्ग किलोमीटर जो है वो आरक्षित वन है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। 31,080,000 वर्ग किलोमीटर वो संरक्षित वन है। अभी हम लोग जानेंगे भी कि ये क्या होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, संरक्षित और संरक्षित वन यानी कंजर्व्ड फॉरेस्ट। 1,705,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो अवर्गीकृत वन है, जिन्हें हम लोग अनकैटेगराइज्ड फॉरेस्ट कह सकते हैं या नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट कह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें भी याद रखिए, 61,800 वर्ग किलोमीटर जो है वो आरक्षित वन है, 31,080,000 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन है और बाकी 1,705,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो अनकैटेगराइज्ड यानी अवर्गीकृत वन है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो 67% है, संरक्षित वन क्षेत्र 30% है और अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है वो 3% है। इस स्लाइड में काफ़ी डेटा आपको मिल रहा है, ये सारा डेटा आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो इसमें जितना भी डेटा दिया हुआ है स्लाइड में आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अब वन जो है मध्य प्रदेश के उनको कई बेल्ट्स में बांट दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में वन पेटियाँ हैं बहुत सारी, कौन कौन सी हैं ये जान लेते हैं। मुख्यतः तीन वन पेटियाँ यानी 3 फॉरेस्ट बेल्ट्स हैं। पहली है विंध्य कैमूर श्रेणी वन पेटी, यानी जिसे विंध्या कैमूर फॉरेस्ट बेल्ट कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के उत्तर में है और यह दमोह सागर से लेकर उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दमोह सागर के पठार में ये फॉरेस्ट बेल्ट फैला हुआ है। फिर आता है मुरैना शिवपुरी पठार की पेटी, यानी कि मुरैना शिवपुरी प्लेटू फॉरेस्ट बेल्ट। इस वन पेटी में मुरैना और शिवपुरी का भाग आता है, ये भी नॉर्दर्न साइड में है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के ऊपर वाले क्षेत्र में ऐसा कह सकते हैं। और तीसरा है नर्मदा के दक्षिण में एक चौड़ी पेटी जो कि साउथ नर्मदा फॉरेस्ट बेल्ट के नाम से जानी जाती है,
नर्मदा नदी के दक्षिण में यह पेटी प्रदेश की पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिम तक फैली हुई है, पूर्व से पश्चिम तक, पूरा बीच वाला जो बीच से एक पूरी पट्टी अगर मध्य प्रदेश के बीच से निकाल दें तो ये बेल्ट हो जाता है। और इसके अंतर्गत सतपुड़ा मैकल श्रेणी के वन भी आते हैं, बघेल खंड का पठार और उसकी पहाड़ियाँ भी आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा के जो जंगल हैं वो बहुत ही फेमस हैं, उन पर बहुत सारी कविताएं कथाएं भी लिखी हुई हैं। और ऐसे देखा जाए क्लाइमेटिक उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, ज्योग्राफिकल महत्व बहुत ज़्यादा है, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी के जो वन हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, साउथ नर्मदा फॉरेस्ट बेल्ट के अंदर आते हैं। तो तीन फॉरेस्ट बेल्ट हो गए, विंध्या कैमूर फॉरेस्ट बेल्ट, मुरैना शिवपुरी प्लेटू फॉरेस्ट बेल्ट और तीसरा है साउथ नर्मदा फॉरेस्ट बेल्ट। अब इनका वनों का ये हमने देख तो लिया कि तीन तरह की वन पेटियाँ यानी फॉरेस्ट बेल्ट में सभी पूरे फॉरेस्ट को बांटा गया है। अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की दृष्टि से भी कुछ वर्गीकरण किया गया है, तो वनों का प्रशासकीय प्रबंधकीय वर्गीकरण भी किया गया है जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से हम जानेंगे। तो इस तरह से तीन तरह के वन होते हैं, कंजर्व्ड जो कि संरक्षित वन है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और तीसरे हो जाते हैं अवर्गीकृत यानी कि अनकैटेगराइज्ड। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संरक्षित वन यानी कि कंजर्व्ड फॉरेस्ट के बारे में। ये वन राज्य के वन क्षेत्र के लगभग 30% है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये 31,098 वर्ग किलोमीटर में आता है। इतना बड़ा क्षेत्र, पूरे जितने भी वन हैं उसमें करीब 30% जो हैं वो कंजर्व्ड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन है। संरक्षित वन से आशय उन वन क्षेत्र से है जिनका प्रबंधन शासकीय देखरेख में होता है, इनका प्रबंधन होता है, हालांकि इसमें थोड़ी बहुत छूट रहती है, इसमें पशु आ सकते हैं, इसमें लोग जा सकते हैं, थोड़ी बहुत छूट रहती है, मतलब ऐसा कि नहीं बिल्कुल बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें संरक्षित वन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं रहती हैं, परंतु इन वनों को नष्ट करना दंडनीय अपराध है, वनों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रशासकीय नियम अधिक कठोर नहीं होते हैं, यहाँ पर ग्रेजिंग हो सकती है, पशुचारण की सुविधा दी जाती है, और इस वन क्षेत्र में रहने वाले निवासी जो होते हैं, जो वहीं के रहने वाले लोग हैं, विशेष परिस्थिति में उनको पेड़ काटने की भी अनुमति होती है, लेकिन वो वनों को नष्ट करने की नियत से नहीं कर सकते हैं, वो आवश्यकता पर ही कर सकते हैं और प्रशासकीय देखरेख में ही पेड़ काट सकते हैं। तो इस तरह के फॉरेस्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं संरक्षित वन यानी कंजर्व्ड फॉरेस्ट, जो कि मध्य प्रदेश के टोटल वन क्षेत्र का 30% है। फिर आते हैं आरक्षित वन क्षेत्र, जहाँ पर नियम कानून बहुत टफ होते हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो 61,886 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, और यह टोटल वन क्षेत्र का 67% है, यानी मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है फॉरेस्ट एरिया उसमें से सबसे ज़्यादा एरिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट का है 67%, कंजर्व्ड का है 30%। आरक्षित वन क्षेत्रों में आवागमन, पशुचारण, लकड़ी काटना सभी दंडनीय अपराध हैं, और यहाँ पर जो नियम है वो अत्यंत कठोर होते हैं। इन वन क्षेत्रों में आप लकड़ी भी नहीं काट सकते, अपने जानवर भी नहीं छोड़ सकते, और वहाँ पर ऐसा भी नहीं कि खुलेआम घूम सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीज़ें दंडनीय अपराध होती हैं, ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं और यहाँ पे बिल्कुल कठोर नियम होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है। अब नाम से ही आपको लगता होगा रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब तीसरे तरह के जो वन है वो है अवर्गीकृत वन, और मध्य प्रदेश में इस तरह के वन का क्षेत्रफल 1,705 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल वन क्षेत्र का 3% है। यहाँ पर प्रशासन का ध्यान कम होता है और यहाँ पर पशु चारण की सुविधा होती है, वन काटे जा सकते हैं, पेड़ काटे जा सकते हैं, लोग अपने हिसाब से यहाँ पे वनों का उपयोग कर सकते हैं, पेड़ पौधों का उपयोग कर सकते हैं। तो तीन तरह के वन हो गए, 30% कंजर्व्ड फॉरेस्ट है, 67% रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, और 3% नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट है। अब इसके सिवा भी कुछ अलग अलग तरह के वर्गीकरण हैं, यानी कि आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वर्गीकरण के अलावा वनों का निम्न से भी अलग से वर्गीकरण किया गया है। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्टेट फॉरेस्ट पहला, यानी कि राजकीय वन, यह पूर्ण रूप से शासकीय नियंत्रण में आते हैं। दूसरे होते हैं कॉरपोरेशन फॉरेस्ट यानी निगम निकाय वन, जो कि स्थानीय कार्यपालिका और परिषदों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। और तीसरा हो गया प्राइवेट फॉरेस्ट यानी निजी वन, जो कि व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं।
तो तीन अलग तरीके से भी इनका वर्गीकरण किया जाता है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत के अलावा। तो ये तीन तरह के कौन है, स्टेट फॉरेस्ट, कॉरपोरेशन फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। ये क्या है ये हमने अभी जस्ट देख लिया है। वनों का वर्गीकरण जो है वो वृक्ष समूहों के आधार पर भी किया जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि एक प्रॉपर वन क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के वृक्ष की अधिकता ज़्यादा होती है, तो ऐसे में उसकी अधिकता के आधार पे उस वन क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह के वृक्ष समूहों के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर है सागौन वन। तो वन जो जहाँ पे सागौन ज़्यादा पाए जाते हैं उन्हें सागौन वन कहा जाता है, यानी कि टीकवुड फॉरेस्ट। तो मध्य प्रदेश में सागौन के कुल वन क्षेत्र जो है वो 17.88% पे पाए जाते हैं। यह वन जो है वो जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार और खंडवा जिलों में हैं। सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है, इमारती उपयोग में आती है और इस लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर हल्का होता है और काफ़ी मजबूत होता है। तो इस लकड़ी की मांग बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कीमती होती है। तो सागौन मध्य प्रदेश में सागौन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे जो हो गए वो हो गए साल या सखुआ के वन। ये 16.54% क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं। साल की लकड़ी का उपयोग बेसिकली स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है और इसका प्रमुख क्षेत्र है मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल वगैरह वगैरह जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं। इन जिलों के आसपास के थोड़े थोड़े क्षेत्र भी इसमें आते हैं। तीसरे हो जाते हैं मिक्स्ड डेसीडुअस फॉरेस्ट, यानी कि मिश्रित पर्णपाती वन। ये इसमें अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, जैसे साज, धावड़ा, तेंदू, महुआ, बांस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पलाश, बबूल, सरई, अंजन, हर्रा, ये सब जो अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं ये सारे मिक्स्ड डेसीडुअस फॉरेस्ट में आते हैं। और ये वन जो हैं वो ज़्यादातर बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा वगैरह और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपने ये देखा कि टीकवुड फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है। टीकवुड फॉरेस्ट यानी सागौन वन सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है मध्य प्रदेश में। सागौन की उपज जो है वो बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में सागौन अधिक होता है। अब वनों के कुछ हम लोग ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भी देख लेते हैं कि क्या क्या वर्ग होते हैं इसके। और मध्य प्रदेश में अब चूंकि मानसूनी जलवायु है तो ये बहुत ही काम आती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्ध होती है वनों को और रिच बनाने में। तो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार तीन जो वर्ग हैं मध्य प्रदेश में वनों के वो हैं, पहला है ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे होते हैं। इस प्रकार के वन जो होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में जल के अभाव के कारण पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों में उत्तम इमारती लकड़ियां पाई जाती हैं, जैसे कि सागौन, शीशम, नीम, पीपल, ये सब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेड़ होते हैं ये सब। और मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार देखिए किस किस जिले में है, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद। जिलों के नाम भी आप थोड़े थोड़े याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई होता रहेगा कि कहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट है, कहाँ पे किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं। दूसरे जो ज्योग्राफिकल तरीके से जिनका वर्गीकरण किया गया है वो है उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। अभी हम लोगों ने देखे थे पर्णपाती वन, अब हम लोग देखेंगे अर्ध पर्णपाती वन। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल सेमी डेसीडुअस फॉरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में बीजा, सेजा, हर्रा, धौरा, जामुन, महुआ, तिनसा आदि वनों के अतिरिक्त कुछ कीमती लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि सागौन, साल, बाँस वगैरह। ये अर्धपर्णपाती वन है, ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है। और इससे पहले जो थे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो थे वो 100 सेंटीमीटर से कम वाली वर्षा थे, लेकिन कहाँ कम से कम 50 सेंटीमीटर की वर्षा वहाँ पे होती है। अब जो तीसरे हो गए वो शुष्क पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट। जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है वहाँ ये पाए जाते हैं, जहाँ पे 25 से
75% वर्षा जो होती है, इसमें सभी प्रकार के वृक्ष पर्णपाती होते हैं, सभी अपने पत्ते गिराते हैं। इनमें से हर्रा, कीकर, बबूल, पलाश, तेंदू, धोरा, हल्दू, सीरीस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और ये श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर और खरगोन जिलों में इस तरह के वन पाए जाते हैं। कुछ वन अनुसंधान संस्थान और वन विद्यालयों के बारे में भी आज जानना बहुत ही ज़रूरी है। भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज, ये देहरादून में स्थित है, जहाँ पे वन शोध होता है, वन उपज और वन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और ये इस तरह का भारत में मुख्य केंद्र है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और उस समय इसका नाम था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे ब्रिटिश इम्पीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसके चार क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी हैं, एक उसमें से मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। इसका प्रशासनिक संचालन केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 1991 में UGC द्वारा इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश में 1978 में स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की सहायता से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश में इस तरह का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और इसका एक क्षेत्रीय केंद्र जो है वो भोपाल में स्थित है, जिसमें भारतीय वन अधिकारियों को आधुनिक व्यापारिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। 1979 में बालाघाट में फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना की गई थी, वनराजिक महाविद्यालय की, और 1980 में दूसरा महाविद्यालय जो है वो बैतूल में खोला गया था। तो पहला वनराजिक महाविद्यालय यानी फॉरेस्ट कॉलेज 1979 में बालाघाट में खोला गया था, दूसरा 1980 में बैतूल में खोला गया। और ये वाला भी जरूर याद रखिएगा, 1978 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। ये जो बालाघाट और बैतूल के कॉलेजेस हैं, यहाँ पर वन्य प्राणी संरक्षण हेतु कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में कुछ फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल निम्नलिखित हैं। अनूपपुर में है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, बालाघाट में, बैतूल में, झाबुआ में, लखनादौन सिवनी में, गोविंदगढ़ रीवा में, शिवपुरी में, पचमढ़ी होशंगाबाद में और तला उमरिया में भी इस तरह के फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल्स स्थित हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की भी स्थापना की गई है वनों की देखरेख के लिए। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 जुलाई 1975 को हुई थी, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को हुई थी। इस निगम के कार्य और उद्देश्य जो हैं वो अभी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसका आर्थिक दृष्टि से वनों का दोहन करना, सागौन, बांस जैसे उपयोगी प्रजातियों का वृक्षारोपण करना, ये इम्पोर्टेंट है, वृक्षारोपण भी करता है वन मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। और इसमें उत्पादकता की मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार वृद्धि करना, रिसर्च करना, लुगदी, पेपर और इससे संबंधित उद्योगों के लिए साधनों की व्यवस्था करना, वनोपज के लिए वृक्षारोपण करना, पंप उद्योग इकाइयों द्वारा वनोपजों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना, काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करना, जिसमें सागौन, बांस और अन्य आवश्यक कच्चे माल होते हैं, और इनके उत्पादन में सहायता करना, ये काम जो होते हैं ये मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम करता है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 24 जुलाई 1975 को हुआ था। तो आज हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में वन के बारे में, ये जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी है मध्य प्रदेश में वनों के बारे में। इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल हो या आपका कोई फीडबैक हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगले पार्ट में एक बार फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।